तुम कौन है? दिखाऊं क्या भाई? भी देख लो ये। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ लोनावाला। लोनावाला पूना से 70 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पे है हम देखने जा रहा है वैक्स म्यूजियम, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता और क्रिकेटर की वैक्स के साथ स्टैचू बना के रखा हुआ है, यानी कि मोम के साथ। तो उसको देखने के लिए जा रहा है। अभी हम जा रहा है पुणे टू मुंबई हाईवे रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं और अच्छी व्यू से देखने के लिए। दोस्तों आप भी देख के मजा लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. दोस्तों आप देख सकते हैं पुणे के अंदर हर जगह में, पुणे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी रोड होगा वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है और वहाँ पे मेट्रो का भी चल रहा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे मुंबई या पुणे जो भी महाराष्ट्र के अंदर। इससे पहले भी मैं नागपुर में रहा था, तो वहाँ पर भी काफ़ी मेट्रो लाइनें बना रहा था, ब्रिज वगैरह बना रहा था। तो यहाँ में भी आके देखा मैंने, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रखा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पुणे मुंबई मतलब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। All I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. अभी ये जो रोड देख रहा है दोस्तों, ये है एक्सप्रेस वे है, जहाँ पे फोर व्हीलर को ही चलाना अलाउ है यहाँ पे पुणे के अंदर। और बाकी एक्सप्रेस वे में क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन बीच में हम जब चल रहा था वहाँ पे बीच में पुलिस वाला को मिला। पुलिस वाला ने हमको आवाज़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग अच्छी तरह से हेलमेट वगैरह पहन के चला रहा था, तो किसी और को रुका रहा है बोल के सोचा था हमने। तो पुलिस वाला ने आगे हमको जाके रुकवाया और समझाया कि एक्सप्रेस वे के अंदर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाला जो गाड़ी है वो चला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे फोर व्हीलर का स्पीड 100 से ज़्यादा ही स्पीड होता है, तो छोटा गाड़ी जो है उनके साथ कंपैरिजन में स्पीड बराबर नहीं चल सकता है, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है बोल के बताया उसने। तो फिर हमने दूसरा रास्ता से लोनावाला दूसरा रास्ता है उसमें चला गया था। दोस्तों अभी हम जा रहा है सुनील वैक्स म्यूजियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉल के अंदर आने के बाद आपको इस तरह से देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपका होगा टिकट काउंटर, जिसमें पर पर्सन आपको 200 रुपया और कॉम्बो में आएगा तो आपको 500 रुपया लेता है। ये देखो आप सामने का नज़ारा, ये दोस्तों मैं अभी वैक्स म्यूजियम के अंदर आ गया। अभी आपको दिखाएंगे पूरा म्यूजियम में कौन कौन सेलिब्रिटी का स्टैचू वगैरह है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। दोस्तों अभी मैं अंदर आ गया, अभी आप देख के इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों चलिए अभी देखते हैं।
तुम कौन है, दिखाऊं क्या मैं भी? देख लो।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखिए एग्जैक्टली मोदी मास में कैसा लग रहा है एकदम मोदी जैसा ही एकदम सेम ये देखो भगत सिंह ये वैक्स के म्यूजियम के अंदर आने के बाद लगता है कि जितना भी बड़े बड़े नेता है ना उनको बिल्कुल नजदीक में देख लिया जैसा महसूस करेगा आप अटल बिहारी वाजपेयी ऊपर बैठ के देखो क्या इधर छवारी करता हूँ थोड़ा सा इतनी बड़ी कैमल लोनावाला आते आते देखा इतना दूर आने के बाद हम बीच में कंडाला ये लोनावाला का इसमें एक लेक मिला या छोटा सा पानी ये कैमल देखो भैया अभी सवारी करता हूँ इसमें 100 रुपया लेता है बोला इसमें चलो अभी ऊँट में बैठ जाता हूँ मैं मारता तो नहीं है रे गिराओगे तो नहीं ना भैया ऐसा चलो मैं आके लाई अरे बाप अभी हिल रहा है यार ये कैमल का सवारी काफी दूर आने के बाद कैमल में ऊंट में बैठा है अभी आ जाओ गोल्डी भाई बैठो आ जाओ ये कैमल में बैठ के मैं लेक के चारों तरफ घूमेंगे थोड़े से लोनावाला में आने के बाद काफ़ी दूर घूम बाइक के साथ राइडिंग करके आया हम लोग आते आते ये लेक के पास अभी मैं बैठा हूँ कैमल के पास और रुपया के साथ राइडिंग का